मैंने जो किताब लिखी थी जिसको लिखने में लगभग 11 साल का वक्त लगा, 11 बरस जिसको लगे संकलन करने में, दिल्ली से खानदेश तक, वो 807 दिल्ली से खानदेश तक किताब का वहाँ पर इजरा भी हुआ 2015 में और शेरशाह सूरी पुरस्कार का वितरण हुआ। इसके बाद 2016 में दोस्तों इसी तरह से विविध क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कार दिया गया सुल्तान मलिक अंबर के नाम से। दोस्तों आज जो हम अवार्ड दे रहे हैं उस पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। दोस्तों हसीम का सूर का जो नाम है इतिहास में बहुत सी कम लोगों को मालूम है, उनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। दोस्तों शेरशाह सूरी के वंशज रहे हकीम का सुर, जिनका 1538 ईस्वी में बिहार में इनका जन्म हुआ। हकीम का सुर ने राणा प्रताप की सेना में एंट्री की और राणा प्रताप ने उनको एक्सेप्ट भी किया। उसके बाद में दोस्तों 18 जून 1576 में हल्दी घाटी की काफ़ी मशहूर लड़ाई हुई, मैं सभी की तवज्जो चाहूँगा। आज इनके नाम से अवार्ड दिया जा रहा है, इतिहास के पन्नों में ये शख्स बिल्कुल गायब हो चुका है, ना के बराबर इनका नाम मिलता है। लेकिन हमारा फाउंडेशन इसी बेस पर काम करता है कि जो लोग इतिहास में बिल्कुल गुमनाम हो चुके हैं, हम हर साल एक दिन हमारा होता है, इसलिए मैं सभी से गुजारिश करके करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में आइए ताकि इतिहास को हम लोग जानें। उसके बाद में दोस्तों 18 जून 1576 में हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई हुई। इसमें देखिए दोस्तों ये लड़ाई थी मुगल और राजपूतों के बीच में, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि मुगलों का जो सेनापति था, मुगल फौज का जो सेनापति थे वो थे राजा मानसिंह। देखिए दोस्तों मुगल सेना के जो सेनापति थे वो कौन थे, राजपूत, और इधर राजपूतों की फौज के सिपहसालार कौन थे, हकीम खान सो। अब सोचिए जो लोग हिंदू मुस्लिम, इतिहास को हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहते हैं, मैं खास तौर से उनके लिए मैसेज देना चाहता हूँ। मुगल जो है, मुगलों का जो रहबरी कौन कर रहे हैं दोस्तों, राजा मानसिंह जो एक राजपूत हैं, और राजपूतों की रहबरी कौन कर रहे हैं दोस्तों, हकीम खान सो। तो उसके बाद दोस्तों ये युद्ध बहुत देर तक चला, काफ़ी देर तक चला। मुगल सेना ने हकीम खान सो को घेर लिया और उसके बाद में उनका सर धड़ से अलग कर दिया। जहाँ पर उनका हकीम का सुर का जो सर गिरा वहाँ से उनका घोड़ा उनके धड़ को लेकर 5 किलोमीटर दूरी पर गया। जिनके हिस्से में सर आया वहाँ पर उनके सर की मज़ार बनाई गई संजू भाव, और वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर हकीम का सुर के धड़ की मज़ार बनाई गई। इसके बाद दोस्तों जब लोग वहाँ पर गुसल देने के लिए गए और सबने मिलकर हकीम का सुर के हाथ से तलवार को छुड़ाने की कोशिश की, इतिहास गवाह है दोस्तों वो तलवार हाथ से छूटी नहीं, आखिर तक नहीं छूटी। और दोस्तों तलवार ही के साथ में हकीम का सुर को हल्दी घाटी में दफन किया गया है। ये है हमारे हकीम का सुर का इतिहास। लोगों ने मुझसे पूछा कि हकीम का सुर कौन, मैंने बोला कि भाई आप प्रोग्राम में आइए, मैं आपको डिटेल बताऊंगा। क्योंकि वजह है दोस्तों बहुत मेहनत से इतिहास जमा होता है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ना के बराबर लोग ऐसी हिस्ट्री को जानते हैं, और ऐसी हिस्ट्री बताते वक्त हमारा भी सीना जो है वो खुशी के मारे फूल जाता है। और हकीम का सुर को तलवार ही के साथ में दफन किया गया। उसके बाद में राणा प्रताप, उनके बारे में राणा प्रताप के मुख से ये शब्द निकलते हैं, हल्दी घाटी का पठान वीर। देखिए राणा प्रताप क्या कहते हैं हकीम का सुर के मुतालिक, कि हल्दी घाटी का वो पठान वीर, ना लगाम छूटी ना छूटी शमशीर, हाथ से घोड़े की लगाम नहीं छूटी, तलवार नहीं छूटी। और आज हकीम का सुर आज भी लोग वहाँ पर जाते हैं दोस्तों, एक इंसान की दो मज़ारों की ज़्यारत करके आते हैं, एक सर और 5 किलोमीटर पर उनका धन। यह है हमारे हकीम का सुर की हिस्ट्री। इसी तरह से हम लोग हिस्ट्री को जमा करते हैं दोस्तों और उनके नाम का अवार्ड देते हैं। आप यहाँ पर आए, मैं आपका 33 शुक्रिया अदा करता हूँ।